काफ मसल स्ट्रेचिंग के बारे में हम जानेंगे अभी। काफ मसल्स यानी आपके पैर की पिंडली वाले हिस्से में पाई जाने वाली मसल, गैस्ट्रोक्नीमस मसल और सोलियस मसल। तो पहले हम देखेंगे ऊपर वाली मसल यानी कि गैस्ट्रो मसल के बारे में। आप स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, जिस पैर पर आपको स्ट्रेचिंग करनी है वो पैर आपका पीछे है, दूसरे पैर को आप आगे करेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे आपका हील और आपका टोज अपनी जगह नहीं छोड़ने चाहिए, ज़मीन से टच रहने चाहिए लगातार। आगे वाले पैर को आप मोड़ते चले जाएंगे, जिस पैर को आप मोड़ रहे हैं उसके भी घुटने को आप उसकी टोज के आगे नहीं निकलने देंगे। और 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक के लिए इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। और आपको इस ऊपरी हिस्से में जहाँ पर आपका गैस्ट्रोक्नीमस मसल है वहाँ स्ट्रेच महसूस होगा, पेन नहीं होना चाहिए। मामूली डिस्कम्फर्ट होता है जो स्ट्रेच के साथ नॉर्मल है, किंतु अगर पेन वाले लिमिट पर आप पहुँच रहे हैं तो आपको रुकना है वहाँ। दूसरा मसल है सोलियस मसल, यानी इसी में काफ में नीचे वाले पोर्शन की जो मसल है। इसके लिए हम कैसे करेंगे, आप स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, अपने दूसरे पैर को हवा में लटका लेंगे, उठा लीजिए और ये नी को आप थोड़ा सा बेंड करेंगे। बेंड कीजिए, इस पोजीशन को आप 30 सेकंड से लेके, एक स्क्वैटिंग वाली पोजीशन हम बना रहे हैं, 30 सेकंड्स के लिए से लेके 1 मिनट तक के लिए स्ट्रेच मेंटेन करना है। अभी आप अपने निचले हिस्से में लगातार स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं। ये दोनों काफ स्ट्रेचिंग के लिए करना है आपको। थैंक यू।